student, welcome to Uttirin Academy, and my name is Manoj Sharma. And in this video, we will start question number 15 and 16 divided by Sutra Paravartya. Okay, Sutra Paravartya se divide karna hai question number 15 and 16. Okay, aaiye dekhte hain, start karte hain question number 15. Okay, dekho bachcho, video mein jo लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था निकिलम मेथड से डिवाइड वाला मेथड. तो उस क्वेश्चन के लिए और परावर्तन के लिए मैं नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपकी आरबीएसई की बुक पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है, अपर साइड में आप देख सकते हो. निकिलम के लिए जब निकिलम मेथड से आप डिवाइड कर रहे हो तब एक कुछ कंडीशन है ना, वो सेटिस्फाई होनी जरूरी है डिवीजर के लिए. डिवीजर मतलब 97 के लिए, ठीक है. डिवीजर के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है कि जो डिजिट्स ऑफ डिवीजर, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, डिजिट की, नंबर की नहीं, डिजिट्स ऑफ डिवीजर ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, 5 की. जैसे एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताऊं, जो लास्ट मैंने क्वेश्चन करवाए थे निखिलम के लास्ट वीडियो में, जैसे क्वेश्चन था अपना 13 क्वेश्चन था, ठीक है. 13 क्वेश्चन में क्या था, 111034 डिवाइडेड बाय 889, ठीक है. तो ये डिवीजर है. और 14 क्वेश्चन क्या था, 14 क्वेश्चन में था अपने 3994 डिवाइडेड बाई 97. ओके, ये था क्वेश्चन. तो डिजिट्स ऑफ डिवीजर में, देखिए 9012349, ये क्या है, डिजिट्स है. तो क्या होती, नीचे ग्रेटर होनी चाहिए 5 से. तो देखो यहाँ पर 5 से ग्रेटर है, सब 8 भी ग्रेटर है, 9 भी ग्रेटर है. उस वाले क्वेश्चन भी देख लो, देखो 9 भी ग्रेटर है, 7 भी ग्रेटर है. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो जब डिवीजर की डिजिट ग्रेटर देन हो 5 से, तभी ये मेथड अप्लाई होगा निकिलम, अदरवाइज नहीं होगा. और जो सेकेंड कंडीशन क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट डिजिट है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जो आप लेते हो ना डेविएशन या डिफरेंस, वो विद रेस्पेक्ट टू 10 या 10 टू दी पावर के में होना चाहिए. कैसे, जैसे इसका डेविएशन या डिफरेंस कितना है, 111 है, ये किसके नियरेस्ट है, किसके नियरेस्ट है, 100 है, समझ में आया, मीन्स 10 टू दी पावर. उसका डिफरेंस कितना है, 03 है, वो किसके रेस्पेक्ट में नियरेस्ट है, 10 के. तो ये केस भी क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए. जब आप निकिलम मेथड से डिवाइड कर रहे हो तो ये टू कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तभी वो निकिलम मेथड से डिवाइड डिविजिबल होगा, अदरवाइज नो. परावर्तन के लिए क्या कंडीशन होती है, ये आप राइट कर लेना, मैं रफ करूँगा, ठीक है, ये चीज़ राइट कर लेना, बाकी पीडीएफ में भी अपलोड करवा दूँगा मैं. परावर्तन के लिए क्या कंडीशन होती है, जो फर्स्ट कंडीशन होती है, जो डिजिट्स ऑफ डिवीजर लेस देन होनी चाहिए किससे, 5 से. लेस देन होनी चाहिए किससे, 5 से. जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, और मैं क्वेश्चन नंबर 16 भी लिख देता हूँ यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 16 क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 16 है 13385 डिवाइडेड बाय 131. तो अब देखो यहाँ पर इसकी डिजिट देखो, ये डिजिट ग्रेटर हो रही है 5 से, तो इस वाले मेथड में परावर्तन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है. और इसमें देखो ये लेस है, 131 लेस डिजिट है किससे, 5 से, तो उसमें परावर्तन अप्लाई होगा. इसको करेंगे तो परावर्तन से, लेकिन इसको निकिलम की तरह करना पड़ेगा अपने, ठीक है. तो स्टार्ट ये दो, ये कंडीशन थी, और सेकंड कंडीशन क्या है, सिमिलर उसकी सेकंड कंडीशन, जो कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट है
या डेविएशन या डिफरेंस कुछ भी बोल सकते हो, वो नियरेस्ट होनी चाहिए 10 और 10 टू द पावर की बेस में, कुछ भी पावर से भी, ठीक है। जैसे इसके 09 है, सॉरी 03 है नियरेस्ट 10 के, उसका कितना है 100 है, सॉरी 31 है, ठीक है। वैसे तो आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, बेस क्या है इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करते हैं। बेस क्या है इसके लिए 97, बेस क्या है 97, डिफरेंस कितना आ जाएगा या डेविएशन बोल दो आप, ठीक है। डेविएशन क्या हो जाएगा 97 माइनस 100, ऐसे लेना आपको, पहले नंबर लिखना ठीक है, फिर बेस लिखना, तो कितना हो जाएगा 03, माइनस 03 आ गया। अब इसका क्या करना है, परावर्त्य, परावर्त्य देखो बच्चों, परावर्त्य क्या लिखा हुआ है, परावर्त्य, परावर्त्य मीन्स परिवर्तन, और परिवर्तन मीन्स क्या होता है, चेंज, क्या होता है चेंज, मीन्स इसका साइन चेंज करना, इसका साइन चेंज करेंगे तो इसमें आ जाएगा 03 प्लस, ओके। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, परावर्त्य। तो सेम वैसे निकले हम की तरह लिख देंगे डिवीजर, सॉरी बेस 100 है, मैंने बाई मिस्टेक 97 लिख दिया, ओके। बेस क्या है 100 है, तो 97, ठीक है। और इसके डाउन साइड क्या लिखना है, डिवीजर, ये मेन डिवीजर, ये एक्चुअल डिवीजर डिवीजर होगा, ठीक है। लाइन्स में डिवाइड करना है अपने को, ठीक है। यहाँ पर कितने डिजिट्स आएंगे, यहाँ पर कितने डिजिट्स आएंगे इस वाले सेक्शन में, जितने बेस में जीरो है कितने हैं, 20 है, तो ठीक है। यहाँ पर कितनी डिजिट आएगी, 1 और 7। वैसे निकेलम जैसे सोल्व होगा अभी, इसलिए तो कहा कि निकेलम से सोल्व होगा, क्योंकि डिजिट क्या है ग्रेटर है 5 से, तो निकेलम के थ्रू सोल्व होगा, तो आगे निकेलम मेथड ही अप्लाई होगा, 1, 7 और 2 और 1। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, 2 एज इट इज, ठीक है। स्टेप फर्स्ट इधर लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड 2 इन फर्स्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड 2 राइट इन परसेंट एज इट इज, एज इट इज, ओके मीन्स 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 06। ध्यान रखना बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर जीरो लगाना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मिस्टेक कर दोगे अगर ये जीरो नहीं लगाया था, आपने 03 लगाना है। सेकेंड स्टेप में क्या किया, 2 × 03 और 06 को प्लेस करना है कहाँ पर, फिर क्या करना है, एडिशन करना है, 1 + 0 = 1, 1 + नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। देखो बच्चों, ये निखिलम है, मैंने लास्ट वाले वीडियो में निखिलम मेथड बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप वहाँ पर जाके पहले उस वीडियो को देखिए, तब जाके आपके ये समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। 1 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से 7, तो कितना आ जाएगा, 03, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई किया 03 के साथ, तो 03, और 03 1 by 1 सबके नीचे लिखना है, पहले लिखे 06, 1 डिजिट के नीचे 11 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर फिर लास्ट वाले कॉलम में एज इट इज ऐड करके रख देना है, 7 + 3 = 10, 1 carry 2 = 8, ठीक है। तो 21 तो क्या है अपने पास, क्वेश्चंट, एंड 80 क्या आ गया, रिमाइंडर, ओके। लास्ट में लिख देना है आपको,
quotient equal to 21, remainder is 80. अगर ये ग्रेटर आ जाए इससे किससे डिविजर से तो आपको क्या करना है इसको एक बार डिवाइड करना है सिंपल मेथड से. ओके बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की. ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं. यहाँ पर तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं. ठीक है क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बेस क्या होगा, बेस क्या होगा 100 ही होगा क्योंकि 131 के नियरेस्ट है वो. डेविएशन या डिफरेंस कितना होगा 131 माइनस 100 कितना आ गया 31. 31 का क्या करना है परावर्त्य करना है, मीन्स साइन चेंज करना है, मतलब माइनस 31. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में एक्चुअल सूत्र परावर्त्य यूज हो रहा है. ठीक है अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है कि अपना डिवीजर है ये एक्चुअल डिवीजर 31 माइनस के साथ ही लिखना है इसको. यहाँ पर कितने आएंगे, जितने बेस में जीरो है 120 है तो यहाँ पर कितने डिजिट आएंगे 2, किसकी डिविडेंड की, रिमेनिंग का आएगी 133. अब ध्यान रखना बच्चों ये कई कुछ टीचर्स या कुछ बुक्स में एज इट ऐसे लिखा होता है, कुछ में इसको ऐसे लिख देते हैं कि दोनों के ऊपर विनकुलम या विलोकम का साइन लगाते रहते हैं जिसको कहते हैं बार, बार 3 बार 1, मीन्स ये दोनों नंबर किस में है माइनस में है, माइनस 3 माइनस 1, तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आगे माइनस भी लगा सकते हो, इज योर विश. ओके मैं ऐसे लिख देता हूँ या आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक है माइनस मीन्स ये नंबर दोनों क्या है माइनस में, वही निकेलम मेथड से फॉलो करना है. ठीक है मैं बच्चों फिर से कहता हूँ निकेलम मेथड फर्स्ट और लास्ट वाला वीडियो देख लेना आप. फर्स्ट डिजिट एज इट इज स्टेप्स लिख लो आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा. वन नेक्स्ट में क्या करना है, वन को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, इसके साथ वन को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा, ये सेम ही डिजिट आएगी. ठीक है मीन्स वो माइनस में तो इनको क्या करते हैं वन बाई वन सबके नीचे लिख देंगे, वन वन डिजिट के डाउन साइड. ओके नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, प्लस करते थे. अब थ्री प्लस थ्री बार मतलब ये किस में है बेटा, ये माइनस में, इसका मतलब क्या है ये माइनस में, तो प्लस थ्री माइनस थ्री कितना हो गया ज़ीरो. ठीक है तो ध्यान रखना ये किस में है माइनस में. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, थ्री प्लस में लिख देता हूँ यहाँ पर थ्री बार इज इक्वल टू ज़ीरो. ओके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ज़ीरो से इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड में ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ये कितना आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा कि ज़ीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो ज़ीरो ही आता है, तो वापस यहाँ पर क्या लिख देंगे यहाँ ज़ीरो यहाँ ज़ीरो. ठीक है या ज़ीरो लिखने की ज़रूरत भी नहीं, इसको ऐड करेंगे थ्री प्लस वन बार मीन थ्री माइनस वन, ये क्या है माइनस वन, थ्री माइनस वन कितना हो गया टू. ठीक है तो ध्यान रखना कितना है टू. ठीक है तो क्या करना है, थ्री प्लस वन बार प्लस ज़ीरो कितना हो जाएगा टू. ठीक फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है थर्ड स्टेप टू मल्टीप्लाई बाय थ्री वन बार वन, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वही आएगा कितना आएगा 62, और ये किस पे आएगा ये भी माइनस में आएगा, माइनस वाले नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही आएगा, वन बाई वन इनके नीचे लिख दो 6 बार एंड 2 बार. ओके अब सिंपल ऐड कर दो आप, 5 प्लस 2 बार मीन्स 2 माइनस कितना आ जाएगा 3.
एट माइनस सिक्स ही माइनस में तो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो फिर नहीं आंसर आ गया फाइनल 23 आपका क्या आ गया रिमाइंडर, उससे लेस करेक्टर एंड 102 आपका क्या आ गया क्वेश्चन। तो आप लास्ट में लिख दो आंसर में क्वेश्चन 102 रिमाइंडर इज 23। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई डाउट है तो डाउन साइड कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। ऐसे इस क्वेश्चन के सेम एज इट इज़ क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको PDF में मिल जाएंगे हमारी ऐप उत्तीर्ण अकेडमी पे, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो अगर नहीं किया हो तो, ठीक है। और इसको लाइक ज़रूर शेयर करना, बच्चों को बताना ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब जरूर।